हेलो एवरीवन, हेलो एवरी स्टूडेंट। आज का हमारा पाठ है मेरे बचपन के दिन। यह पाठ महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें उनके बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस पाठ में उन्होंने यह भी बताया है कि समाज का कन्याओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण होता था और उनके अपने परिवार में भी लड़कियों के जन्म को उचित नहीं माना जाता था। उनके परिवार में 200 वर्षों के बाद किसी कन्या का जन्म हुआ था, यानी कि जब उनका जन्म हुआ था तो वो 200 वर्ष बाद पैदा हुई एक कन्या थी उनके परिवार में। उन्होंने छात्रावास का जो जीवन था उसमें उनके साथ प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी, जो उनके साथ पढ़ाई करती थी, उनके बारे में कुछ प्रसंग बताए हैं। उनका जो हॉस्टल था उसके वातावरण को उन्होंने सजीव रूप से इस पाठ में बताया है। पूरा पाठ भारतीय जीवन के बारे में बताया गया है। महादेवी वर्मा जी को लिखने की प्रेरणा उनकी माता जी से मिली थी। उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भजन लिखती व गाती थी। बचपन से ही महादेवी वर्मा ने अपनी माँ को गाते हुए सुना था। यहाँ से उन्हें ब्रज भाषा में लिखने की प्रेरणा मिली। जब वे क्राथवेट कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ने के लिए आई तो वहाँ छात्रावास में उनका परिचय हिंदी की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ हुआ। उस समय वे खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखती थी। उनके संपर्क में आने पर महादेवी जी ने खड़ी बोली हिंदी में तुकबंदी करनी प्रारंभ कर दी। तुकबंदी होती है राइम जो बनाते हैं, कविताएं बनाते हैं, उसे कहा जाता है। और वे वहाँ के कवि सम्मेलनों में भी जाने लगी। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली स्त्री दर्पण नाम की पत्रिका जो थी उसमें उन्होंने अपनी कविताएं छपने के लिए भेजी। उन्हीं दिनों महादेवी वर्मा ने कविता पाठ प्रतियोगिता में बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। सन 1917 के आसपास भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन जोरों पर था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की बागडोर संभाल रखी थी और वे सारे देश को एक सूत्र में बांध देना चाहते थे। इसी प्रकार से एक नेहरू जी का भी पाठ आएगा आगे, उसमें भी यही बताया गया है कि किस प्रकार से पूरा देश एक होने की उस जरूरत में था जिसके लिए महात्मा गांधी और नेहरू जी प्रयास कर रहे थे। भारत के बहुत बड़े भाग में हिंदी बोली जाती थी और कवि सम्मेलनों व हिंदी के प्रचार प्रसार का आयोजन भी इसी तथ्य के लिए किया जाता था। हिंदी के माध्यम से देश प्रेम को उत्पन्न किया जा रहा था। पाठ में लेखिका ने बताया कि उसकी ताई साहिबा और उनके परिवार में आपस में बहुत प्रेम था। बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर दोनों परिवार एक दूसरे को भोजन खिलाते थे, शुभकामनाएं देते थे और वे हर त्यौहार को मिलकर के मनाया करते थे। ताई साहिबा ने लेखिका के छोटे भाई का नामकरण भी किया था। नेक भी उन्होंने साधिकार प्राप्त कर लिया था, यानी कि जब नामकरण किया तो उसके बदले में उन्होंने नेक भी लिया था, पैसे भी लिए थे। इससे पता चलता है कि ताई साहिबा और लेखिका के परिवारों में घनिष्ठता थी। छात्रावास में सुभद्रा कुमारी के साथ वो रहती थी। एक ही उनका कमरा होता था। सुभद्रा कुमारी खड़ी बोली में कविता लिखती थी और इस कारण उन्हें थोड़ी प्रसिद्धि भी मिली हुई थी। महादेवी उनसे बहुत प्रभावित थी और छुप छुप कर थोड़ी बहुत तुकबंदी भी कर लेती थी। जब सुभद्रा को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे लिखने के लिए प्रेरित किया और इससे दोनों की मित्रता गहरी हो गई। आगे चलकर दोनों साथ साथ विभिन्न कवि सम्मेलनों में भी भाग लेने लगी। महादेवी जी क्रास्टवेट कॉलेज में छात्रावास में रहती थी और उस समय के वातावरण के विषय में उन्होंने बताया कि वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। आपस में छात्राओं में स्नेह था, एक दूसरे की वो सहायता किया करती थी और उनमें कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था।
महादेवी वर्मा को कव्य प्रतिभा में प्रतियोगिता में विजयी होने पर एक पुरस्कार मिला था, जिसमें उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला था और वह कटोरा उनसे गांधी जी ने मांग लिया था। और वो अपने संस्मरण में बताती हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई। एक बार उन्होंने बताया कि उन दिनों महात्मा गांधी आनंद भवन में आकर के अक्सर रुकते थे। हम लोग अपने जेब खर्चे में से पैसे बचाकर एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब भी बापूजी से भेंट होती तो हम वह राशि उन्हें दे देते थे। उस दिन महात्मा गांधी आनंद भवन में आए तो मैं चांदी का कटोरा लेकर उनसे मिलने गई और कटोरा उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह कटोरा मुझे कविता सुनाने पर पुरस्कार के रूप में मिला था। गांधी जी को यह कटोरा बहुत पसंद आया। महादेवी ने अपना कटोरा गांधी जी की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने इसे हाथ में लेकर कहा कि क्या तुम इस कटोरे को मुझे दे रही हो। उस समय महादेवी जी ने कुछ नहीं कहा और कटोरा गांधी जी को दे दिया और लौट आई। महादेवी को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्होंने कटोरे के बारे में तो पूछा लेकिन यह नहीं पूछा कि कविता कौन सी सुनाई। उन्होंने कविता सुनाने को भी नहीं कहा। छात्रावास में लौटकर सुभद्रा कुमारी ने कहा कि और जाओ कटोरा दिखाने। फिर बोली कि चाहे कुछ भी हो, खीर तो तुम्हें खिलानी ही होगी। अब चाहे तुम पीतल के कटोरे में खिलाओ या फूल के कटोरे में, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि महादेवी को स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की खुशी भी थी और अपना पुरस्कार किसी और को देने का दुख भी उन्हें था। इस प्रकार से उनके बचपन की हम इसमें सारी घटनाएं देख सकते हैं कि किस प्रकार से। साथ ही उनके जन्म के बारे में भी मैंने जैसा कि बताया कि उनके दादा चाहते थे कि वह उर्दू फारसी पढ़ना लिखना सीख ले, लेकिन उर्दू और फारसी में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। और जब दादाजी उनको फारसी और उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास ले गए तो वह चारपाई के नीचे छुप गई और इस प्रकार से वह उर्दू फारसी पढ़ने से बच गई। तब उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पंडित बुलाया गया। महादेवी की माताजी को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। उनको गीता पढ़ने में बहुत रुचि थी और जब वह पूजा पाठ करती तो अपनी माता के साथ वह भी बैठ जाती। माता द्वारा बोली गई संस्कृत को बड़े ध्यान से सुनती। इस प्रकार महादेवी को संस्कृत जो है वो आ गई थी। उसके पश्चात मिशन स्कूल में उन्हें दाखिल करवा दिया गया, किंतु वहाँ का वातावरण महादेवी जी के अनुकूल नहीं था। वहाँ बोली जाने वाली प्रार्थना भी दूसरी थी, इसलिए उनका वहाँ पर मन नहीं लगा और उन्होंने वह स्कूल त्याग दिया। उसके बाद क्रास्टवेट गर्ल्स कॉलेज भेजा गया। वहाँ उन्हें 5वीं कक्षा में दाखिल कराया गया। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था और वह कॉलेज भी उनको बहुत पसंद आ गया था। उस समय विभिन्न धर्मों की लड़कियाँ उस कॉलेज में पढ़ती थी। सब लड़कियों का भोजनालय भी एक ही था और सभी लड़कियाँ एक ही भोजनालय में भोजन करती थी। उस मेज़ में प्याज तक का प्रयोग नहीं होता था, अर्थात वहाँ पूरी तरह से शाकाहारी भोजन बनाया जाता था। वहाँ की घटनाओं को बताते हुए लेखिका बताती हैं कि छात्रावास में एक पेड़ था, उसकी शाखाएं बहुत लंबी थी और जब लड़कियां खेलने कूदने में व्यस्त रहती तो वह अपनी कविताएं लिखती थी। स्त्री दर्पण नाम की कविता में जो पत्रिका थी उसमें उनकी कविता प्रकाशित होने लगी थी। इस प्रकार से महादेवी जी अपने बचपन को याद करती हैं कि उस समय उनको बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा रहती थी कि पुरस्कार के लिए उनका नाम कब पुकारा जाएगा। प्रायः कवि सम्मेलनों में उन्हें प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से भी अधिक पदक उन्हें मिल चुके थे। अपनी कविताएं उन्होंने जो लिखी थी 1917 के आसपास जो कवि सम्मेलन वहां पर होते थे और उन कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता जो थी वो हरिऔध, रत्नाकर और श्रीधर पाठक जी जैसे महान कवि जो थे वो किया करते थे। और इस प्रकार से महादेवी के बचपन की यहाँ पर सारी घटनाओं का
वर्णन किया गया है। साथ ही आनंद भवन में जो राजनीतिक घटनाएं होती थी, गांधी जी आते थे और किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता था भारत की आज़ादी के लिए, सारे देश को एक सूत्र में बांधने का, इस पाठ में पूरा उनका बचपन के साथ साथ ये भी बताया गया है।